ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है आपके चहेते टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। जैसा कि आपको मालूम है कि अब वक्त हो चला है मकाम का। मकाम में हम पेश कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के फॉर्मर चीफ जस्टिस जनाब फखरुद्दीन साहब की जिंदगी की दास्तां बयानी। तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी, हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझिल सी हो गई है। जिंदगी के इस मकाम पर पहुंचकर जब भी शख्स मुड़कर देखता है तो भीगे मौसम की मानिंद आंखें गीली हो जाती हैं, मन भर आता है। सारी दुनिया उन्हें सलाम करती है क्योंकि वो जस्टिस फखरुद्दीन है। जिन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस रहते हुए हजारों लोगों को इंसाफ बख्शा है, पर जिंदगी ने उनका हर पल इम्तिहान लिया है। हमने माना कि सितम जुज़्वे करम होता है, लेकिन इस दौर में यह हादसा कम होता है। यह हकीकत है कि तकदीर के हम कायल हैं, फिर भी नाकामी तदबीर का गम होता है। जस्टिस फखरुद्दीन की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अमरपुर गांव में हुई थी। उनके वालिद कानपुर में दस्तकारी का काम करते थे, लिहाजा उनकी शुरुआती और कॉलेज की तालीम कानपुर के हलीम कॉलेज से हुई। शुरू में तो मेरी तालीम हुई है वहाँ एक मदरसे में, मदरसा इरशादिया हयातुल इस्लाम तलाक महल कानपुर में। उसके बाद जो मदरसे में तालीम मुकम्मल हो गई तो हलीम मुस्लिम डिग्री कॉलेज था। फखरुद्दीन साहब बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने सोचा मैं ड्राफ्ट ले लूं। तो उस वक्त वहाँ के एक हेड क्लर्क थे अब्बासी साहब, उन्होंने शायद किसी को बताया और एक कानपुर में फर्म है हाजी अब्दुल्ला अब्दुल रशीद, उन्होंने मेरी फीस जमा की बगैर मुझे बताए। फिर उनके मालिक मेरे पास आए कि बेटा आपने तालीम, क्यों मैं टॉपर था, कि आप फीस की वजह से पैसा नहीं जमा कर रहे। मैं कहने ये बात नहीं है, कहने नहीं कोई बात नहीं है, आप करिए जमा हो गया। हमने कहा हम ऐसा खैरात पे तालीम नहीं लेते, कहने बेटा इसको कर्ज समझ के ले लीजिए। फिर मैंने उसको लिया और जब हुआ तो फिर मैंने उसको वापस किया। जैसे ही उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तभी उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री में नौकरी मिल गई। हालांकि ये ना तो उनकी ख्वाहिश थी और ना ही उनकी मंजिल। खुद उनके वालिद उनको सीए बनाना चाहते थे, लेकिन हालात को जैसे कुछ और ही मंजूर था। लगन थी, मैं सीए बनना चाहता था, लेकिन हालात ने इजाजत नहीं दी। वालिद साहब का बड़ा ये था, उस जमाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट की बड़ी वैल्यू थी, उनके दिल में ये था कि बेटा मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट। फखरुद्दीन साहब की पहली पोस्टिंग जबलपुर में हुई और यहीं से उनके ख्वाब परवान चढ़े। गोल्ड मेडल जो मुझे मिला तो मुझे फिर तो बड़ा आसान हो गया। मेरा इसी बीच में एक और बात हुई कि मेरा सिविल जज में सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश हुआ, मतलब बिल्कुल 20-22 साल की उम्र में सिविल जज का हो गया। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा, तो मेरे वालिद ने कहा भैया नौकरी अच्छी नहीं होती। अम्मा ने भी कहा जो अब्बा कह रहे हैं सुनेंगे। तो मैंने फिर सिविल जज ज्वाइन नहीं किया। LLB के बाद LLM और उसके बाद प्रोफेसर बनने तक का उनका सफर उतना ही खींचतान भरा रहा। 64 में मैंने LLB फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया, तो मैं सर्विस भी करता था 9 से 5 बजे तक और शाम को 6 बजे से और 9 बजे तक क्लासेस ज्वाइन किए, पार्ट टाइम क्लासेस। LLB फाइनल जब हुआ, LLB फाइनल में मुझे गोल्ड मेडल मिला, मैंने जबलपुर यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उनकी जब पढ़ाने से तबीयत भर गई तो फिर से वो वकालत की तरफ मुड़ गए और अपने वालिद के बताए उसूलों के पाबंद रहे। वालिद ने हमारे ये कहा था, बेटा कोई गरीब जाने ना पाए। मंदिर मस्जिद मजार ये जो मुकदमे आए और उनके सामने जबलपुर में बहुत से मुकदमे आए, सबसे रिमार्केबल जो मैंने सिविल लाइयर बना वो एक मंदिर का मुकदमा था, बंगाली मंदिर कहलाता था। वह विक्टोरिया अस्पताल है, उसके उसी के कैंपस में एक मंदिर था,
उनका मैनेजमेंट में झगड़ा और वो लोग 2-3 साल से लड़ रहे थे और शायद अपने वकील साहब से बहुत परेशान थे, तो वो मेरे पास आ गए। तो मैंने उनको बगैर फीस लिए जब उनका मुकदमा जिताया, तो सबसे पहली खुशी जो मुझे हासिल हुई वो थी। उन्हें ना तो कभी सियासत रास आई और ना ही सियासत दा, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब वो मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन चुन लिए गए। मध्य प्रदेश की आबादी 6% है मुसलमानों की, 94% नॉन मुस्लिम्स की आबादी है, और मुश्किल से जिस जमाने में मैं चुनाव लड़ा था 330,000 वकीलों में से 300-400 ही मुसलमान थे, लेकिन मुझे बार काउंसिल में चुन के भेजा। उनकी जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उन्हें जज बनने का ऑफर मिला, पर वो अपनी वकालत से ही खुश थे, लेकिन अहलिया के इंतकाल के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। मैं जज भी इसीलिए बना हूँ, ये 22 मार्च 1993 में उनका स्वर्गवास हो गया, उस बच्चे बड़े छोटे थे, वकालत में वक्त नहीं दे पाते थे, इससे पहले मैं इनकार करता रहा था। जब इनका इंतकाल हुआ 93 में, तब फिर मुझे लगा कि नहीं, बच्ची की 17-18 साल की उम्र थी बड़ी की, कि इसकी परवरिश के लिए मेरा हो जरूरी है, तो वकालत में इतना वक्त मिलता नहीं था। कौम की एजुकेशन को लेकर वो काफी संजीदा हैं। कौम में तालीम की जरूरत पर जोर देने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की नींव रखी। गुर्बत की वजह से, पावर्टी की वजह से कोई मुसलमान या हिंदू या कोई बच्चा रह ना सक जाए, तालीम से ना रह जाए, मेरिटोरियस, तो उसके लिए मध्य प्रदेश मुस्लिम सोसाइटी का कायम किया। उन्हें लगता है कि किसी जज को अपनी रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट का कोई ओहदा नहीं कबूल करना चाहिए। ये एक बदकिस्मती है, रिटायर्ड जजेस, जज का रिटायरमेंट है निश्चित है, अब ये तो इंडिविजुअल जज पर है, कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट आप उनसे, देखिए आदमी का अपना कॉन्शियस है, अपना ज़मीर है, कि आप उन किसी आदमी से कोई एडवांटेज ना लें कि जिसके हक में कभी आपने किया हो, ये तो कॉन्शियस आना पड़ेगा। हम जब कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, हम ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, तो कहने से नहीं होगा, ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी। मुल्क के मौजूदा जस्टिस सिस्टम से वो खुश नहीं है। मैं जो छत्तीसगढ़ में था, तो वहाँ जब मैंने एक्टिंग चीफ जस्टिस का चार्ज लिया, तो मैंने जब बुलाया तो मालूम ये हुआ कि जेल से पता लगाया कि उनकी अपीलें यहाँ पेंडिंग हैं और जेल की सजा काट चुके हैं। हम लोग जेलर से रिपोर्ट बुलवाते थे चीफ जस्टिस कि तुम्हारी जेल में 9 साल से 5 साल से ज़्यादा के कितने हैं, क्या वजह है। चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट का काम। फखरुद्दीन साहब को अपने फर्ज का बाखूबी इल्म है, वो किसी भी इंसान को उसके मजहब या जात के तराजू पर नहीं तोलते। उनका कहीं शिद्दत से मानना है कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। शायद यही वजह है कि उनके 80% से भी ज्यादा मुवक्किल गैर मजहबी यानी हिंदू हैं। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह वकालत से लेकर इंसाफ तक के अपने सफ़र में हमेशा से सच और इंसानियत को तवज्जो देने वाले फखरुद्दीन साहब आज भी मशगूल हैं अपनी फ़र्ज अदायगी में। फखरुद्दीन साहब की ज़िंदगी के सफ़रनामे के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। टाइम मैगजीन ने इसे टॉप 25 फिल्म्स में काउंट किया है, सदी की टॉप 25 फिल्म्स में।